कोलकाता में लेडी डॉक्टर से अहमानियत को लेकर जयपुर में भी डॉक्टरों में गुस्सा है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज OPD में आए मरीजों को डॉक्टरों ने राखी बांधी। जयपुर से देखिए संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के पूरे मामले में देश भर में रोष। राजस्थान में रेजिडेंट्स जो हैं अभी लगातार अपना जो कार्य बहिष्कार है वो जारी रखे हुए। आज क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, OPD में तमाम जो डॉक्टर्स हैं रेजिडेंट्स वो मौजूद हैं। कुछ अलग तरीके से आज इन्होंने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी कलाई पर राखी बांधी गई है एक तरीके से। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, जस्टिस मांगा जा रहा है जो कोलकाता में घटना है उसको लेकर इस तरह की राखी बांधी गई है। महिला रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से, यहाँ तक कि जो पुरुष रेजिडेंट्स हैं वो भी राखी बांध रहे हैं। सर, किस मोटिव से? एक मैं कह रहा था कि पेशेंट का और उनका एक रिश्ता तो होता ही, डॉक्टर का रिश्ता होता है, लेकिन एक राखी भी बांधी आपने, एक और जिम्मेदारी उनको दे दी है, तो किस तरीके का अलग प्रदर्शन? देखिए, जो ये हड़ताल है हम कोई शौक से नहीं करें, हमारी एक मजबूरी है। जो एक फीमेल डॉक्टर के साथ कार्यस्थल पे जो घटना हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल एक मंदिर है, एक हॉस्पिटल में यदि एक डॉक्टर नहीं, एक फीमेल सुरक्षित नहीं है, तो इस आज़ाद भारत में नारी कब सुरक्षित होगी और डॉक्टरों को कब सुरक्षा मिलेगी? महिला डॉक्टर्स हमारे साथ में है, ये महिला डॉक्टर्स हैं और ये पेशेंट है। जो रिश्ते की हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स का, उनका आपसी रिश्ता होता है, देखिए पेशेंट की कलाई पर भी वो राखी बांधी गई है और जो जस्टिस की बात कही जा रही है वो आपको दिखाई देगा। मैम, जैसा अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि एक बॉन्डिंग होती है मरीज की और उनकी, आपने एक बहुत एक अलग से और जिम्मेदारी उनको दे दी है, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की और किस तरीके से क्यों आपको आना पड़ा? क्योंकि OPD है यहाँ पे, तो मरीजों का इलाज होता है, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं जनता को ये बात कन्वे हो रही है कि एक डॉक्टर का रेप हुआ है, लेकिन जनता को हमें ये बताना है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो डॉक्टर से पहले एक महिला भी थी। तो ये सिर्फ डॉक्टर सेफ्टी इशू नहीं है, ये महिला की सुरक्षा का इशू है। तो हमें देश की हर महिला से ये विनंती करनी है कि वो हमारे साथ खड़ी रहे, महिलाओं से, उनके भाइयों से विनंती करनी है कि वो इस देश को एक सुरक्षित जगह बनाए जहाँ आगे किसी भी औरत के साथ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी के साथ आगे से ये काम ना हो। आज रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन हम यूजुअली एक राखी बांधते हैं हमारे भाइयों के, कि हम उनसे हम रक्षा मांगते हैं, सुरक्षित मांगते हैं। और हम लोग राखियां बांधकर यहाँ पर यही उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपकी रक्षा के लिए तो हमेशा खड़े ही हैं, और ये रक्षा सूत्र बांधकर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महिलाओं का की सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित हो। और जो डॉक्टर्स भी दिन रात, और डॉक्टर्स की बात नहीं है, एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके, नर्सेस से लेके, स्टाफ से लेके, वार्ड बॉय से लेके, डॉक्टर्स तक, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रेस में काम कर दिन रात तन मन धन से आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो कृपा करके जो हिंसा होती है हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में, उसके प्रति भी जागरूकता फैलाएं। लेकिन आज क्योंकि रक्षाबंधन है बहुत कम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।